बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग एंड कुकिंग क्राफ्ट। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ, स्टिचिंग की वीडियो लाई हूँ मैं, जिसमें आपको कटवर्क की जो ट्रिक है वो बताऊँगी, जिससे आप ईजिली बहुत ईजी से कटवर्क काट लेंगे और झटपट काट लेंगे, और सबसे बड़ी बात कि आप इक्वल काटेंगे। चले व्यूअर्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स, मैंने चेपी ले ली है और साथ मैंने पेंसिल ले लिया और एक मैंने ढक्कन ले लिया। आप कोई सा भी ढक्कन ले सकते हैं जितनी साइज़ के आपको कटवर्क चाहिए, ठीक है। और अब ये देखिए चेपी की जो मैंने लेंथ है वो तकरीबन 16 इंच ली है और जो इसकी चौड़ाई है मैंने 2 इंच ली है। आप जितनी चाहिए आप ले सकते हैं, जितने आपने चौड़ाई में कटवर्क बनाने और लेंथ में बनाने आप उतनी लेंथ ले सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको फोल्ड करते जाएंगे इस तरीके। अब देखें इस तरह एक दफ़ा और करेंगे। ये व्यूअर्स मैंने इनको फोल्ड कर दिया है, मुझे इतना ही कटवर्क का साइज़ चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ऊपर मैं 1/2 इंच की एक लाइन लगा दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह हम एक लाइन लगा देंगे इस तरह ऊपर। अब क्या करूंगी, वो जो ढक्कन है वो लेकर मैं उसको इस तरह सेंटर में रख कर ड्रॉ कर लेंगे लाइन तक। ये देखिए इस तरह व्यूअर्स, लाइन तक हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने ड्रॉ कर लिया, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए बहुत ही जल्दी कट जाते हैं और इक्वल कटते हैं, सबसे बड़ी बात है कि एक जैसे कटते हैं। ये देखिए इस तरह हम कटिंग करने के बाद अब नीचे से थोड़ा सा हम नीट करेंगे इसको, जिसके कॉर्नर है इसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से, इसको हम गुलाई में ले आएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितनी जल्दी हमारे कटवर्क कट गए हैं, ये देखें इस तरीके से। ये देखें सबसे बड़ी बात कि इक्वल कटें, एक जैसे बिल्कुल। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो कटवर है वो कट चुके हैं और इक्वल कटे हैं। इसी तरह हम अब दूसरा डिज़ाइन है उसको काटेंगे। ये देखें, ये भी मैंने बुकरम ले ली है, इसी को इसी तरह हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरीके से हम इसी का भी जितना आपको साइज़ चाहिए अपने सिर्फ उतना ही फोल्ड करना है। ये देखें मुझे इसका इतना साइज चाहिए तो मैं इतना फोल्ड करूँगी। अब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर का निशान लगा लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए व्यूअर्स, मैंने सेंटर का निशान लगा लिया है। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर मार्जिन लाइन यानी कि 1/2 इंच के ऊपर भी लाइन लगाएंगे और फिर हम इसको इस डोर से उस लाइन पे मिला देंगे, यानी कि इस डोर से उस लाइन के साथ मिला देंगे इस तरह, और इधर से भी हम इसी तरह करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लाइन लगा ली है, ड्रॉ कर ली है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कटिंग कर दी है, अब हम ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी कितने अच्छे और नीट कटे हैं और एक जैसे इक्वल कटे हैं। देखिए व्यूअर्स, उम्मीद है मेरी जो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। चले व्यूअर्स, अब जो थर्ड वाला है डिज़ाइन उसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए इसको भी हम बुकरम को इसी तरह फोल्ड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह फोल्ड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो बंद वाली साइड है उधर जो सर्कल है वो हाफ सर्कल यानी कि जो हाफ जो मैंने ढक्कन लिया उसका हाफ हमने ड्रॉ करना है। ये देखिए व्यूअर्स इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैंने हाफ किया है, मैंने फुल नहीं किया, और इस तरह हम ऊपर इसके भी 1/2 इंच की लाइन जो है वो लगा लेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। अब जहाँ मैंने वो गोल सर्कल की ख़त्म किया था वहाँ से लेके हम नीचे रेप थोड़ी सी लाइन लगा देंगे तो ये दो तरह के कटवर्क बन जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कट कर लिया है। देखिए कितना खूबसूरत डबल डिज़ाइन में यानी कि ये कटवर कटा है, ये बहुत ही प्यारा लगा। आप लूप्स लगा के इसको ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरीके से काटें और जल्दी से काट लेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वंस अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।